दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उसने सिख उम्मीदवारों को कड़ा या फिर कृपाण के नाल परीक्षा में शामिल होने की इजाजत देने का फैसला किया है, पर वह घट्टो घट एक घंटा पहला परीक्षा केंद्र विच पहुंचन। DSSV के वकील दी दलीलों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के बेंच ने कहा है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा दायर पटीशन का निपटारा करन अते होर आदेश देने की लोड़ नहीं है। बेंच ने नोट किया कि बोर्ड ने सोधे दिशा निर्देश जारी किए ने जो स्पष्ट करते ने कि उसने कड़ा अते जां फिर कृपाण पहनने वाले सिख उम्मीदवारों नूं परीक्षा देने की इजाजत देने का फैसला लिया है। हालांकि अजिहे व्यक्ति रिपोर्टिंग समय तो घट्टो घट एक घंटा पहला परीक्षा केंद्र विच रिपोर्ट करन, नहीं तो उन्हां नूं परीक्षा विच बैठन की इजाजत नहीं दी जाएगी। अदालत ने नोट किया गाइडलाइनस तो यह स्पष्ट है कि जेकर स्क्रीनिंग दौरान कोई भी उम्मीदवार कड़ा या कृपाण विच कोई शक्की वस्तु रखता पाया जाता है तो उस नूं परीक्षा विच शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तो पहला जुलाई विच हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच जज ने एक सिख महिला उम्मीदवार नूं मुकाबले की परीक्षा विच शामिल होने तो रोके जाण नूं अस्थिर करार दिता सी, जिसने कि दाखले के अंतम समय तो पहला परीक्षा केंद्र विच पहुंचने के बावजूद अपना कड़ा नहीं उतारिया सी। पटीशनकर्ता औरत जिसने PGT इकोनॉमिक्स की परीक्षा विच शामिल होने की इजाजत देने तो इनकार करने चुनौती दी सी ने दलील दी सी कि अधिकारियों की कार्रवाई नूं इस आधार से बरकरार नहीं रखा जा सकता कि पहला ही एक नोटिफिकेशन सी जिस विच उम्मीदवारां नूं इह जानकारी दित्ती गई सी। कड़ा अते जां फिर किरपान पहनण वाले उम्मीदवार नूं रिपोर्टिंग समय तो घट्टो घट एक घंटा पहला परीक्षा केंद्र विच पहुंचना चाहीदा है, क्योंकि यह परीक्षा होने तो दो दिन बाद सूचित किया गया सी। सिंगल जज ने कहा है कि यह बहुत ही मंदभाग है कि DSSV वर्गी विशेष संस्था जो कि वड्डी गिनती विच सिख उम्मीदवारां दे इम्तिहान लैंदी है ने उम्मीदवारां नूं दो सिख धार्मिक चिन्हां नाल संबंधित शर्तां बारे सूचित करन लई समय सिर कार्रवाई नहीं की। अदालत ने फिर DSSV नूं इह यकीनी बनाउण लई निर्देश दिते सी कि जेकर उम्मीदवारां ने कड़ा अते जां फिर कृपाण पहनी होई है तां रिपोर्टिंग समय तों एक घंटा पहला परीक्षा केंद्र विच पहुंचण दी वाधू लोड़ बारे लोड़ींदा नोटिस जो पहला तो ही है उन्हां लई बेलोड़ी मुसीबत पैदा हुंदी है। जेकर तुसीं स्टडी या इमीग्रेशन बेसिस ते विदेश जाना चाहुंदे हो तां चिंता दी की गल, ग्लोबल वाइज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स तुहाडी हर कदम ते मदद करेगा। फ्री करियर काउंसलिंग होवे, स्टूडेंट एडमिशन या स्टडी रिपोर्ट होवे, IELTS कोचिंग होवे, स्टूडेंट लोन होवे, प्री डिपार्चर ब्रीफिंग, अकोमोडेशन, पेरेंट्स दे नाल फॉलो अप, माइग्रेशन सर्विसेज, इथों तक कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी शुरुआत तो लेके अखीर तक ग्लोबल वाइज स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स तुहाडी हर कदम ते मदद करेगा, तुहानू गाइड करेगा। माय कॉलेज एप्लीकेशन एंड वीजा प्रोसेस वाज डन विद देयर हेल्प ओनली। माय एक्सपीरियंस हियर वाज वेरी ग्रेट। इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। There were no difficulties. I received my visa within 70 days. From getting an LOA from the college to getting the port of entry or the Canadian visa, all the process was done smoothly with the help of the agents. संपर्क करने के लिए हुणे कॉल करो दिल्ली ब्रांच के लिए 9696875875, पंजाब ते चंडीगढ़ ब्रांच के लिए 8725875875। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।